राम राम जी सभी भाइयों को। आज दो झोटी लेके आए हैं, एक तीसरे ब्यांत की जी भैंस है और एक दूसरे ब्यांत की झोटी है जी। ये देखें, ये जा रही है पूना के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो खरीद चल रही है, चार भैंसें आ गई है अपने फार्म पे, जिसमें 10 भैंस जा रही है और एक बुल। इस भैंस में लगभग 16-17 किलो दूध तैयार है अभी, साथ में इसके कटड़ा है। 20 किलो दूध की भैंस है जी, ये देखें आप। अभी दूध निकलने के बाद में अपने फार्म पे आई है और इसकी कटड़ी है क्या, और एक ये झोटी है जी, बहुत लंबाई ऊंचाई की, अडर बहुत बढ़िया है, अभी चिक में है जी। 16-17 किलो दूध ये झोटी भी निकाल देगी आराम से। माथे में वाइट निशान है जी, ये देखें, बिल्कुल छोटे सिंह की। ये देखें, ये चार भैंस आ गई है पूना के लिए और दो तीन भैंस अभी आने वाली है और एक बुल। सभी भैंस 15+ की है, ये जाएंगी पूना महाराष्ट्र में। और एक ये बुल है जी, ये भी जा रहा है पूना में। हा, बैठे रहना जी, पूरा वीडियो बाद में लेके आएंगे, जिस टाइम पे सारी भैंसें अपने फार्म पे इकट्ठी हो जाएगी। और कुछ जो कटड़ियाँ हैं अपने पास में, ये जा रही हैं यूपी में लखीमपुर, तो इनकी खरीद चल रही है। भाई साहब आए हुए हैं अपने पास में कटड़ियों के लिए, और नांदेड़ महाराष्ट्र की खरीद भी चल रही है। साहिवाल नस्ल की जो गाय हैं उन पे भी अपना काम है जी, और हरियाणा नस्ल की जो गाय हैं उन पे भी। और ये सारी कटड़ियाँ जाएगी लखीमपुर यूपी के लिए। सभी तरह की कटड़ियाँ हैं, छोटी भी है, बड़ी भी है, ग्याबिन कटड़ियाँ भी है जी। तो ये जा रही है जी लखीमपुर यूपी में, और अपने पास देसी नस्ल की गायें भी है जी। तो कोई भी भाई कहीं का भी हो जी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, पंजाब, यूपी, राजस्थान, अच्छी भैंस लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। कटड़ियाँ लेनी हो मुर्रा नस्ल की तो भी आप बता सकते हैं जी। ये देखें, तो पूरा वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे, छोटी सी वीडियो दोपहर की कवर की, अभी जो दो भैंस आई थी उनकी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी। सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार।